विलियम पार्ले हिंदुस्तान का एक ऐसा आम आदमी जिसको पैसे कमाने थे, वो अच्छी जॉब ढूंढ रहा था। जब वो ओला के एग्जीक्यूटिव से मिला तो उन्होंने उसको कहा कि आप ओला के साथ जुड़ के महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हो और आपको उसके लिए कार खरीदनी पड़ेगी। उन्हीं के कहने पर उन्होंने 10.5 लाख की टोयोटा एटियोस फाइनेंस के ऊपर उठा ली। बट एक टाइम ऐसा आया कि वो फाइनेंस का पैसा नहीं चुका पाए, ईएमआई को टाइम पे नहीं भर पाए, जिसके कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उनकी कार को जब्त कर लिया। ये सिर्फ एक ऐसी स्टोरी नहीं है, ऐसी लाखों स्टोरी से, ऐसे इनके हजारों लाखों ड्राइवर से जो टाइम के ऊपर अपनी ईएमआई नहीं भर पाए और जिनको टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं मिला, और आज के टाइम में हजारों ड्राइवर्स ओला को इंडिया के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, ओला जब इंडिया के अंदर आया था ना, उन्होंने शुरुआत में क्या करा, कस्टमर्स को दिए हैवी डिस्काउंट, इतने डिस्काउंट कि कस्टमर ऑनबोर्ड हो गया। ड्राइवर्स को दिखाया इंसेंटिव, सैलरी, हाई कमीशन, ड्राइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया। बट ओला का होना था प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट्स थे नहीं। इन्वेस्टर्स काफ़ी टाइम से भावेश अग्रवाल के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भैया प्रॉफिट्स कहाँ हैं। उसी के चलते भावेश अग्रवाल ने फटाफट कस्टमर के डिस्काउंट्स को बंद कर दिया और ड्राइवर के इंसेंटिव्स को ख़त्म कर दिया। उससे हुआ क्या, कस्टमर के पास ऑप्शन था। कस्टमर को जब ओला की कारें महंगी लगने लगी तो वो शिफ्ट हो गया ऑटो के ऊपर, अल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर। वहीं ड्राइवर ने भी ओला को छोड़ना चालू करा, जिससे ओला के अंदर वेटिंग टाइम बढ़ गया। देखिए, पहले ओला में वेटिंग टाइम 2 मिनट्स का था, आज के टाइम में ओला के अंदर वेटिंग टाइम 15 से 20 मिनट का हो गया है। बैंगलोर जैसी सिटी के अंदर जहाँ पे इतना ह्यूज ट्रैफिक है, IITN से जहाँ पे हर किसी को टैक्सी की जरूरत है, वहाँ पे भी एक टैक्सी ड्राइवर ओला के साथ जुड़ के सिर्फ महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये ही कमा पा रहा है। अब जैसे ही कार एग्रीगेटर्स ने देखा कि यार हमारा ये टैक्सी का बिजनेस चल नहीं रहा है, फूड पांडा में इन्होंने इन्वेस्ट करा, अलग अलग कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट करा, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहाँ भी इनको लॉसेस हुए, फाइनली इन्होंने डिसाइड करा कि सबसे हॉट मार्केट है ईवी मार्केट। अब ये कार एग्रीगेटर कंपनी, कार मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी ईवी सेक्टर के अंदर आ गई कि हम ईवी सेक्टर के अंदर स्कूटर बनाएंगे। बड़ी कमाल की बात है, जिस कंपनी को 10 साल लग गए 90 करोड़ का प्रॉफिट कमाने में, उसी कंपनी ने कुछ ही दिनों के अंदर 1100 करोड़ का कैश कलेक्शन कर लिया। मलाया एक ऐसा पर्सन जो सुबह उठता है जॉब पे जाने के लिए, बड़ा अच्छा मूड होता है उनका, जैसे ही वो स्कूटर को स्टार्ट करते हैं स्कूटर आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रिवर्स के अंदर जैसे ही स्कूटर गया उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ जिनसे उनको काफ़ी चोट लगी। और ये सिर्फ एक ऐसा एक्सीडेंट एक नहीं है, ऐसे अभी तक बहुत सारे ओला के एक्सीडेंट हो रखे हैं। कहीं कहीं तो ओला के स्कूटर्स के अंदर आग लग गई, कहीं पे ओला के स्कूटर्स के ब्रेक फेल हो गए, कहीं सॉफ्टवेयर का इशू आ गया, ऐसे बहुत सारे इश्यूज मार्केट के अंदर देखने को मिले। देखिए, ओला ने जैसे लॉन्चिंग करा था ना, भावेश अग्रवाल को एक दिन के अंदर 1.5 लाख ईवी स्कूटर की बुकिंग आ गई थी। बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रो करा, एडवांस बुकिंग भी अच्छी मिली। बट क्या आपको पता है, ओला ने खुद ईवी का इन्वेंशन नहीं करा था, ये टेक्नोलॉजी इनकी खुद की नहीं है। इन्होंने मई 2020 के अंदर नेदरलैंड के एक स्टार्टअप को $4 मिलियन में एक्वायर करा था, वो वहाँ का एक फेल्ड स्टार्टअप था, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया, कैश अच्छा था इनके पास। उसी के चलते ओला ने इंडिया के अंदर अनाउंसमेंट कर दी कि हम ईवी के स्कूटर लेकर आ रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ओला के साथ ऐसा क्या गलत हो गया जिसकी वजह से आज ओला के स्कूटरों में आग लग रही है, ओला कंपनी के शेयर्स और वैल्यूएशंस बहुत नीचे जा रहे हैं, कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। देखिए, सबसे पहली बात, जो कंपनी के को फाउंडर हैं, कंपनी के CTO थे अंकित जैन, उन्होंने बोर्ड से रिज़ाइन कर दिया है। अब कंपनी के पास कोई भी CTO नहीं था, उसके बाद वो ब्रिज राज वो ऐसा CTO लेकर आए, बट वो भी कुछ महीने बाद कंपनी छोड़ के चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भावेश अग्रवाल से और इन्वेस्टर से आ रहा था। और 12 प्लस सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर में हम काम नहीं कर सकते हैं। बिना टेस्टिंग के ही ओला कंपनी ने स्कूटर्स को रोड के ऊपर उतार दिया, यही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और देखिए, ओला कंपनी का मैनेजमेंट इस समय इतना ख़राब चल रहा है ना कि 2200 से ज़्यादा स्टाफ इनको छोड़ के चला गया और अभी तक 400 कार रेंटल्स के लिए इन्होंने ड्राइवर्स को वापस हायर कराए। बट आप ये सोच रहे होंगे, अगर इतना ही सब कुछ खराब चल रहा है, CTO छोड़ के चला गया, को फाउंडर छोड़ के चला गया, टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, तो लोग ओला बाय क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी हाइप है ओला की मार्केट के अंदर? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न, डिज़ाइन। ओला का आप डिज़ाइन देखिए स्कूटर्स का, इतना अच्छा डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़,
टॉप स्पीड। अब बात करता हूँ अगर मैं पेट्रोल डीजल स्कूटर्स की, तो वहाँ स्पीड अच्छी आती है 80 से लेकर 100 के बीच में, बट ओला इस समय 125 किलोमीटर की स्पीड दे रहा है। तीसरी चीज़ है ब्रांड रिकॉल। देखिए ओला को आज के टाइम में हर कोई जानता है, ओला कुछ भी चीज़ लॉन्च करेगा अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करके, ब्रांड नेम को यूज़ करके, तो ब्रांड इक्विटी का फ़ायदा मिलता है। चौथी, सोशल मीडिया हाइप। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा पैसा खर्च करा, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वहाँ पे हर बड़ा इंस्टाग्राम का पेज, हर बड़ा क्रिएटर ओला के स्कूटर के बारे में अपने रिव्यू शेयर कर रहा था। पांचवी, जो इनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रही, वो था 499 रुपीज़ की बुकिंग। जी हाँ, आप 500 रुपये दे के ओला के स्कूटर की बुकिंग कर सकते हो। जैसे टेस्ला के टाइम पे हुआ था, इलॉन मस्क ने $100, $500, $1000 के प्लान निकाले थे। बट देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे मेड इन इंडिया टैबलेट, मेड इन इंडिया लैपटॉप जो 2500 की बुकिंग पे उठाए जाते हैं ना, वो आज तक कभी डिलीवर नहीं हुए। अब मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ, दुनिया के अंदर 46 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आप फाइनल प्रोडक्ट रेडी किए बना बुकिंग लेते हो ना, तो वो एक क्राइम है। और इंडिया के अंदर फोन देखना क्राइम है, बुकिंग लेना क्राइम नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे फ्रॉड कर देते हैं, कैसे कि वो प्रोडक्ट को रेडी नहीं करते, वापस एडवांस पैसा ले लेते हैं और उन्हीं से उनकी फंडिंग होती है, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट वो चालू करते हैं। अब उनके पास प्रेशर आ जाता है डिलीवरी को लेके, टर्म्स क्लियर नहीं होती है। और आप एक चीज़ सोचिए, ओला मार्केट में 10 साल से, बट उससे पहले TVS, टाटा, महिंद्रा, इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हुए, इनके माइंड में क्यों नहीं आया कि हम स्कूटर निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला, ईवी वाला, क्यों नहीं आया? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना मार्केट के अंदर, वो अपना पैसा कार्स के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि जो ईवी मार्केट की टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप नहीं है कि अपन बाइक में, स्कूटर में फिट कर पाए, लो लेवल के ऊपर उसको ले पाए। इसलिए टाटा सिर्फ ईवी को अपनी कार में लेकर आया। इवन टेस्ला, इलॉन मस्क ने कोई बाइक नहीं निकाली ईवी की, उन्होंने भी अभी तक कारें लॉन्च करी है। अब कार के लिए कस्टमर प्रीमियम पे कर देगा, बट बाइक के लिए, स्कूटर के लिए नहीं करेगा। ईवी मार्केट इंडिया के अंदर इस समय तैयार नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी तैयार नहीं है, उसके लिए बहुत फंड्स, बहुत पैसा चाहिए। मैं आपको चीज़ समझाता हूँ क्यों। आज आपका TVS का स्कूटर ख़राब हो जाए, होंडा की एक्टिवा ख़राब हो जाए, आप सर्विस स्टेशन पे जाके सर्विस करवा सकते हो। हर सिटी के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर इनके सर्विस स्टेशन आपको मिल जाएंगे, बट ओला के सर्विस स्टेशन कहाँ है, चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? बहुत बड़ी दिक्कत है ये। बड़े प्लेयर्स फूल नहीं है टाटा, महिंद्रा, TVS की, इतना बड़ा मार्केट वो छोड़ देंगे भावेश अग्रवाल जी के लिए। उनको पता है ये मार्केट वर्थित नहीं है अभी तक, इसमें टाइम लगेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, सर्विस सेंटर डेवलप करना पड़ेगा। और अभी तक इंडिया के अंदर ईवी स्कूटर्स के लिए 5 से 10% भी सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा वैक्यूम एंड गैप पड़ा है, उसको साथ साथ फिल करना पड़ेगा। बड़े बड़े प्लेयर्स को पता है, टाटा को, महिंद्रा को, कि एक बार टेक्नोलॉजी स्केल के ऊपर वर्क करने लगे, स्केलेबिलिटी जैसी आएगी वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट डाउन चली जाती है, उस समय ये बड़े प्लेयर्स स्टेप इन करेंगे इस मार्केट के अंदर। बट ओला ने एडवांस के अंदर स्टेप इन कर दिया, उनको सिर्फ अपना पैसा निकालना था। इसी के चक्कर में IPO के पहले कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया है। भावेश अग्रवाल, जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पा रहे थे ना 10 साल के अंदर, इन्वेस्टर एग्जिट्स के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे थे, अब पैसे निकालने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए उन्होंने फटाफट डिसाइड करा कि मैं ईवी स्कूटर लेकर आऊँगा, जिसकी टेक्नोलॉजी उनके पास तैयार नहीं थी, कोई टेस्टिंग नहीं थी, कोई फैक्ट्री रेडी नहीं थी। विदाउट टेस्टिंग, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट उन्होंने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। देखिए यही होता है जब आप स्टार्टअप के अंदर ये नहीं सोचते हो कि कस्टमर से पैसा कहाँ आएगा। इन्वेस्टर का पैसा लंबे समय तक नहीं चलता है, इन्वेस्टर का पैसा, IPO का पैसा लिमिटेड होता है। आपको सोचना पड़ेगा कस्टमर आपको क्यों पे करेगा। ये शुरुआत से ही ओला ने नहीं सोचा था। जिन जिन स्टार्टअप्स के अंदर पैसा डाला ना, फूड पांडा जैसे स्टार्टअप, वो स्टार्टअप भी आज लॉसेस में और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए। भावेश अग्रवाल ने प्रेशर के चलते, इन्वेस्टर एग्जिट ना मार जाए, उनको रिटर्न देना है, उसी के चलते बहुत जल्दबाजी के अंदर ईवी मार्केट के अंदर अपने स्कूटर्स को लॉन्च कर दिया। और ये सिर्फ ओला की कहानी नहीं है, आज इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम क्राय कर रहा है। सही बता रहा हूँ, ओला, अनअकैडमी, ओयो, पेटीएम, जोमैटो, बड़ी बड़ी कंपनीज के वैल्यूएशन गिरते जा रहे हैं। जोमैटो का वैल्यूएशन देखो, IPO लॉन्च होने के बाद कहाँ गया, पूरा वेल्थ वैभव हो गई। पेटीएम के साथ क्या हुआ, $16 billion से $6 billion पे आ गए। इवन पेटीएम मॉल, जो $3 billion की कंपनी थी, वो अब
$13 मिलियन की कंपनी ले गई है, जो इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था ना चाइना का अलीबाबा, उन्होंने एग्जिट मार दिया कंपनी के मैनेजमेंट पे, ट्रस्ट पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि ये कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो पाएगी। इसके अंदर पैसा रखना, इन्वेस्टमेंट रखना, अपने स्टेक रखना कोई मतलब की बात नहीं है। सॉफ्ट बैंक को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी कंपनी को बड़ा करना है, आगे लेके जाना है ना, तो इन्वेस्टर के पीछे मत भागो। इन्वेस्टर चलो आपको पैसा दे भी देगा, बट अल्टीमेटली कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया, आपके मैनेजमेंट ने प्रॉपर वर्क नहीं दिया, आउटपुट नहीं दिया, कंपनी लंबे समय तक नहीं चला पाओगे। अनिल अंबानी के साथ भी यही हुआ, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर पैसा था, ठीक है, बराबर पैसा बांटा गया था, अच्छा मैनेजमेंट दोनों को मिला था, अच्छी कंपनीज दोनों को मिली थी, बट एक आदमी आगे क्यों निकला? मैनेजमेंट से आउटपुट ले पाया, कस्टमर के जेब से पैसा निकाल पाया। वही दूसरा भाई, उसके साथ क्या गलती होगी? कस्टमर के जेब से पैसा नहीं निकाल पाया, मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि आप जब बड़े लेवल पर जाते हो तो टीम्स को कंट्रोल करना, लीडरशिप को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक बड़े स्टार्टअप को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं पेटीएम मॉल के ऊपर भी केस स्टडी बनाऊं कि कैसे पेटीएम मॉल $3 बिलियन से $13 मिलियन के ऊपर आ गया और कैसे इनकी पूरी वेल्थ वाइप ऑफ हो गई, इन्वेस्टर्स क्यों पीछे भाग गए पेटीएम से और क्यों इन्वेस्टर्स ने अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया और आज के टाइम में पेटीएम मॉल में कोई अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करो आपका किसके ऊपर केस स्टडी देखनी है अगली वाली, पेटीएम फॉल और जोमेटो फॉल की, इनके शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, इनकी वेल्थ क्यों कम हो रही है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट में इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, इन्वेस्टर्स और पैसा लगाने को रेडी नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट केस स्टडी पेटीएम के ऊपर आएगी या जोमेटो के ऊपर आएगी। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को तहे दिल से सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।